everyone, welcome to your own study channel that is the Study 24 official. आज हम बात करेंगे बाल विकास के सिद्धांत के बारे में, जिसे हम Principles of Child Development के नाम से जानते हैं। और ये जो टॉपिक हम ले रहे हैं, ये ले रहे हैं साइकोलॉजी से। इससे पहले हमने ह्यूमन डिवेलपमेंट स्टेजेस के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, और उससे रिलेटेड जो भी हमारे MCQs प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, उन सभी के साथ मैं स्टडी किंगडम चैनल के ऊपर डिस्कशन कर रही हूँ काफ़ी डिटेल में, जो भी हमारे प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं टेट एग्जाम के अंदर। तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डिवेलपमेंट के बारे में। सबसे पहला प्रिंसिपल है निरंतरता का सिद्धांत, जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी से जानते हैं। इसमें बताया गया है, इस सिद्धांत के अनुसार विकास नहीं रुकने वाली प्रक्रिया है। अब देखिए, हमें पता है कि ग्रोथ होती है और डिवेलपमेंट होती है। ग्रोथ कुछ टाइम पीरियड के लिए तक होती है, लेकिन ये जो डिवेलपमेंट है, इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। ये जो डिवेलपमेंट है, ये गर्भावस्था से लेके हमारे अंत तक देखने को मिलती है। जैसे हमें पता है कि ये जो विकास है, विकास तो निरंतर चलता है, ये कभी भी नहीं रुकता है, लेकिन ग्रोथ जो है वो कुछ टाइम पीरियड तक देखने को मिलती है। आगे बात करें, यह प्रक्रिया गर्भ से मृत्यु तक चलती रहती है। बिल्कुल सही कि ये जो डिवेलपमेंट है, ये गर्भ में जब बच्चा होता है, ऐसे ही कंसेप्शन पीरियड स्टार्ट होता है, गर्भावस्था स्टार्ट हो जाती है, वैसे ही डिवेलपमेंट होना भी स्टार्ट हो जाती है। और ये जो डिवेलपमेंट है, ये मृत्यु तक चलती रहती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो डिवेलपमेंट है, ये जो विकास है, ये निरंतर चलता है, ये कंटिन्यूटी में आता है। देन बात करें समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी पैटर्न। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की गति एक जैसी नहीं रहती है। अब इसमें ये बताया गया है कि इस सिद्धांत के अनुसार, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ऐसा बताया गया है कि ये जो विकास होता है, ये कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। एक जैसा रहने का क्या मतलब है? अब देखिए, यहाँ पे हम किसी एक इंडिविजुअल को लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे किसी प्रजाति को नहीं लेंगे, किसी स्पीसीज को नहीं लेंगे। अगर किसी एक इंडिविजुअल की बात करें, उसमें जो विकास होता है वो कभी भी सेम नहीं होता है। सेम नहीं होने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं कि जो डिवेलपमेंट, जो विकास इन्फेंसी स्टेज में था, वही हमें एडोलसेंस में देखने को मिलेगा, वही हमें चाइल्डहुड में देखने को मिलेगा, या वही हमें नेक्स्ट अपनी एडल्टहुड की स्टेज में देखने को मिलता है। बिल्कुल नहीं। ये जो विकास होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में, डिफरेंट डिफरेंट लेवल में, अलग अलग तरह से होता है। मतलब अगर इन्फेंसी के स्टेज में डिवेलपमेंट ज़्यादा तेजी से हो रही है, तो ज़रूरी नहीं कि अगली स्टेज में भी ये जो विकास है, ये जो डिवेलपमेंट है, उसी स्पीड में हो। ये जो विकास है, ये बदलता रहता है। जैसे इन्फेंसी में काफ़ी तेजी से बढ़ेगा, और एडल्टहुड में ये थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। आगे बात करें, एक जाति के लोगों में एक जैसी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। ये बिल्कुल ऊपर वाली स्टेटमेंट से डिफरेंट है। कैसे है? पहले हमने बात की सिर्फ एक इंडिविजुअल की, लेकिन अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक प्रजाति की, एक स्पीसीज की। जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम सारे एक जाति में आ गए। पक्षी हैं, वो अलग जाति में आ गए। पशु हैं, वो अलग जाति में आ गए। बोलने का मतलब है कि जो एक जाति है, उसमें जो विशेषताएं मिलती हैं हमें विकास की, वो सारी सेम होती हैं। एक इंडिविजुअल के अंदर डिफरेंट होंगी, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं किसी प्रजाति की, किसी स्पीसीज की, उनके जो विकास का लेवल है वो बिल्कुल सेम होगा। उसको हम, उस विकास दर को हम सेम लेवल पे डिनोट करेंगे, ठीक है। जैसे हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, मनुष्य जाति के सभी बालकों का विकास सिर की ओर से प्रारंभ होता है। हमने देखा कि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, हमारी जो डिवेलपमेंट होती है वो सिर की तरफ से ही आरंभ होती है। हमारी जो माइंड की डिवेलपमेंट है वो किससे होती है? वो सिर की ओर से होती है। ऐसा तो नहीं है कि ये जो डिवेलपमेंट हो रही है, ये सिर्फ एक इंडिविजुअल में है। नहीं, ये पूरी प्रजाति की बात हो रही है, पूरी मनुष्य जाति की बात हो रही है। अब बात करते हैं आज के लास्ट सिद्धांत के बारे में। इसके आगे हम इसे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज हम इन तीन सिद्धांतों के साथ ही डिस्कस करेंगे। इसमें बताया गया है व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। हर किसी इंडिविजुअल का एक अपना सिद्धांत है, उसकी प्रगति करने का, उसकी ग्रोथ करने का, उसकी डिवेलपमेंट करने का। जैसे यहाँ पे बताया गया है, बालकों के विकास में समानता के बाद भी अंतर पाया जाता है। जो बालक होते हैं, उनके विकास में समानता तो होती है। जैसे अभी हमने प्रीवियस प्रिंसिपल में ही बात की है कि एक जाति के अंदर एक जैसा ही विकास होगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एक पर्टिकुलर, एक इंडिविजुअल की बात की जा रही है कि उनके अंदर जो विकास होगा वो समान नहीं होगा, उसमें अंतर देखने को मिलता है, उसमें डिफरेंस देखने को मिलता है। अब ये कैसे? आगे देखते हैं।
इस सिद्धांत के अनुसार विकास और वृद्धि की दृष्टि से बालक अन्य बालकों के समान नहीं होता। किसी कोई व्यक्ति बहुत बुद्धिमान, कोई सामान्य, कोई बहुत मंद होता है। अब देखिए, इस सिद्धांत के अंदर ये बताया गया है कि जो भी कोई इंडिविजुअल है उसके अंदर जो डेवलपमेंट होगी, उसके अंदर जो विकास होगा, हर किसी का अपना अपना विकास होगा। जैसे जरूरी नहीं कि जो मेरे अंदर विकास हो रहा है वही मेरी सिस्टर में हो रहा है, वही मेरे ब्रदर में हो रहा है। हम तीनों में कैसा होगा, बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट होगा। जो मेरा विकास है, मेरे अंदर जो किसी चीज़ को कैच करने की पावर है वो दूसरे में नहीं है, जो दूसरे में है वो मुझ में नहीं है। यही बात इस सिद्धांत में की गई है कि इंडिविजुअल में जो डिफरेंस होगा वो सभी में डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे इस चीज़ को एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करेंगे, जैसे हमें पता है एक क्लास में बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनमें हमें कुछ इंटेलिजेंट देखते हैं, कुछ गुड होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, कुछ थोड़े से मतलब कि पढ़ने में लेजी होते हैं। तो वो जो डिफरेंस है, सभी में स्टडी तो एक जैसे ही करवाई जा रही है सभी स्टूडेंट्स को, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, उनके माइंड लेवल में, मतलब उनका विकास कैसा हो रहा है। हर किसी का अपना अपना विकास है, अलग है, वही इसमें बताया गया है। और जैसे हमने एग्जांपल भी देख ली कि कोई बुद्धिमान होते हैं, कोई सामान्य होते हैं, और कोई जो है वो बहुत ही मंद होते हैं। तो ऐसा क्यों है, इसका क्या कारण है? अब इसका कारण ये भी हो सकता है कि ये हमें जीन लेवल के ऊपर भी डिफरेंस देखने को मिल सकता है, साइकोलॉजिकली भी हम देख सकते हैं, प्लस एनवायरनमेंट का इफेक्ट इसके ऊपर ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर, हमारे माइंड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। इसलिए इस प्रिंसिपल के अंदर भी यही बताया गया है कि हर इंडिविजुअल का एक अपना विकास का दर होता है, अपने विकास का लेवल होता है। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक कम्प्लीट होता है, लेकिन प्रिंसिपल्स अभी तक हैं। ये मैंने आज सिर्फ तीन प्रिंसिपल के साथ ही यहाँ पर डिस्कशन किया है, जो बाकी के बचते हैं हम उनके साथ नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गए होंगे, और अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे बता दूँगी। और दोबारा से बता देती हूँ कि जो भी MCQs साइकोलॉजी से इम्पोर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, उनके साथ मैं हमारा जो दूसरा चैनल है स्टडी किंगडम, वहाँ पर डिस्कशन करवा रही हूँ, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।